नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर में हो रही तीसरी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में, और यहां पर विभिन्न प्रतियोगियों के द्वारा, विभिन्न कलाकारों के द्वारा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कई सारे चित्र हैं जो कई छात्रों के द्वारा, कई प्रतियोगियों के द्वारा, प्रतिभागियों के द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर राम मंदिर से जुड़ा हुआ एक प्रतीक भी निर्मित किया गया है। इसको निर्मित करने वाले कलाकार हमारे साथ हैं, आइए उनसे इस बारे में चर्चा करते हैं। जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार बिसेन है। जी, जिला वालाट का रहने वाला हूँ और जबलपुर में गवर्नमेंट फाइन आर्ट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। जी, मूर्ति कला से फाइन आर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही है रामायण से रिलेटेड, तो यहाँ पर आकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम जैसे युवा कलाकार को काम करने का मौका मिल रहा है और काफी अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। और आपके द्वारा यहाँ पर 3 कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, एक राम मंदिर से जुड़ा हुआ है और 2 और कलाकृतियाँ हैं, जटायु, हाँ जी, प्रेम से जुड़ा हुआ है, जटायु राम जी का मिलन, और ये तीसरी चरण पादुकाएं बनाई हुई गई है। इस आर्ट के बारे में थोड़ा सा आप बताएं हम। सर, ये आर्ट बोले तो क्ले मॉडलिंग के अंतर्गत आता है ये। तो यहाँ पे वर्कशॉप जो एग्जीबिट की गई है, तो उसी के लिए हम छात्रों को, मैम ने बोले, अहल्या मैम ने, तुम्हें यहाँ पे मॉडल बनाना है। मॉडल तैयार की, एक दिन मॉडल तैयार हो गया। जी, तो इस पे फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, इसमें सबसे पहले तो मिट्टी को भिगोया जाता है, अच्छे से गूंथा जाता है। उसके बाद में इसे बनाने की कोशिश ये होती है कि मिट्टी को अच्छे से छान लो, भिगो लो, उसको गूंथ लो, और उसके बाद में फिर कंकड़ पत्थर निकाल के इसको धीरे धीरे बनाया जाता है। काफी समय लगता है इसको बनाने। तो ये पूरा राम मंदिर का अपना मोनूमेंट बनाया हुआ है। जी सर। उसके बाद फिर ये जो दूसरा आपके द्वारा निर्मित किया गई कलाकृति है, इसके बारे में बताएं। ये मेरे मित्र उज्जवल ओझा भैया ने बनाए जी, सीनियर है मेरे जी, उन्होंने बनाए। जब जटायु का वध हुआ था, रावण ने वध किया था, तब राम भगवान ने अपने गले से लगा के प्रेम जता रहे थे। हालांकि वध शब्द का प्रयोग वहाँ पे उचित नहीं लग रहा है। ये दृष्टांत उस वक्त का है जब माता सीता को रावण जो है तो पुष्पक विमान में लेकर के जा रहा था, तो जटायु के द्वारा सेव करने की उनकी कोशिश की गई थी और उसके बाद वो घायल हो गए थे। तत्पश्चात प्रभु श्री राम आए थे और उन्होंने फिर उसको मुखाग्नि दी, उनको मुखाग्नि दी थी, लगा के प्रेम जता रहे थे। तो ये दूसरा चित्र है। तीसरा चित्र ये प्रभु श्री राम की चरण पादुका है, जो कि मेरे मित्र है आकाश बर्मन, उन्होंने बनाए हैं ये। तो ये मतलब आप लोग सारे लोग एक ही कॉलेज से? जी, एक ही कॉलेज से। तो यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, कई वरिष्ठ जो है तो विचारक भी आए हुए हैं, जो श्री राम और रामायण के बारे में यहाँ पर व्याख्यान भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आए तो आपको कैसा महसूस हुआ और क्या सीखने को मिला? विशेष तौर सीखने को यही मिल रहा है कि हमारा जो इंडिया है, यहाँ का कल्चर बहुत पुराना है। जब से पता नहीं कब से इसका शुरुआत, यानी किस समय से कितने वर्ष हो गए ये तो पता नहीं, कुछ एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इतिहास बहुत पुराना है, इसकी कई सारे स्रोत भी मिलते, कई सारी मूर्तियां मिलती है। जिस समय लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय की बहुत पुरानी कला है यहाँ की, जो कि हमारे देश में, यानी दूसरे देश में नहीं मिलती इतनी कला है। भारत देश जो है कला का देश है, यहाँ पे बहुत सी विभिन्न कलाकृतियाँ मिलती है, विभिन्न प्रकार के कलाकार मिलते हैं, और जितना इसका इतिहास देखा जाए कम ही है, ऐसा है। चलिए, आपको भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही आप कला के क्षेत्र में अनवरत प्रगति करते रहें। तो ये थे हमारे साथ राम मंदिर के मोनूमेंट को बनाने वाले एक कलाकार, जिन्होंने इस रामायण कॉन्फ्रेंस में अपने कलाकृत को प्रदर्शित किया है। आइए आगे चलते हैं और फिर रामायण कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई और जानकारी आपसे साझा करेंगे। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।